तो ये क्या करेगा मोबाइल नंबर में, नंबर जो है खाली एंटर करेंगे, ठीक है, तो दे देंगे ना लेंथ, ठीक है, लेंथ दे देंगे हम। चलिए यहां पे मैं कुछ चीजें भर देता हूं कुछ भी, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहां पे रीसेट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए सब गायब हो गया, ठीक, कितना बढ़िया है ना रीसेट बटन, बढ़िया है। तो रीसेट बटन का इस्तेमाल इसी तरह से होता है, रीसेट बटन का बस यही इस्तेमाल है। सेव बटन का क्या इस्तेमाल है, सबमिट बटन का, डेटा को सर्वर तक पहुंचाना, कैसे पहुंचाएगा, बैक करूं क्या मैं, नहीं बैक करने से कोई फायदा है नहीं। यहां पे कुछ मैंने लिख देता हूं कोई भी डेटा, ठीक है, देखना कैसे सर्वर तक जाता है डेटा, सबमिट। आप ध्यान से देखना, नेम का एट्रीब्यूट का वैल्यू, इसका इसका नेम का एट्रीब्यूट का वैल्यू मैं क्या दिया था, फोटो, तो यहां पे फोटो है यूआरएल में, फिर नेम दिया था मैं, इसका वैल्यू नेम था, नेम का एट्रीब्यूट का वैल्यू नेम था ना, तो यहां पे नेम आ गया, नेम में क्या डाला था, ये यही डाला था ना मैं, फिर मोबाइल का नेम का एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या था, मोबाइल, तो यहां पर मोबाइल आ गया, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू मतलब ये नेम है और ये मोबाइल नंबर जो है वो वैल्यू है, तो जो कंट्रोल थे उसके नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू था वो यहां पे आ गया और उसमें जो डेटा था वो यहां पे एंटर हो गया, ठीक। तो आपने देख लिया जी, इसी तरह से डेटा जो है चला जाएगा, कितना खुशी का बात है ना। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ भी आपका यहां पर आ गया है, एंड का माने और, ठीक है, तो एंड एंड लगा दिया है। ये देखिए कोर्स में वैल्यू में डीसीए दिया था तो डीसी आ गया, जेंडर में फीमेल आ गया, ठीक है, और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में यहाँ पे सी आ गया, ठीक है, सी प्लस प्लस होगा ये, ठीक है। यहाँ पे परसेंट टू बी लिखा है, तो यूआरएल के फॉर्म में प्लस प्लस को ट्रांसलेट किया होगा वो, ठीक है, इसी तरह से आ गया, ठीक। तो आपको समझ में आ गया जी इसका मतलब, आ गया ओपन इमेज से कुछ नहीं होगा, इस ओपन इमेज नॉर्मल बटन है और नॉर्मल बटन का क्या काम होगा ये आप फैसला करेंगे इसका जावास्क्रिप्ट के जरिए। अब यूआरएल पे जैसे ही मैं डेटा लिख देखा तो मुझे अचानक से एक और याद आ गया, इनपुट बॉक्स का नाम जिसको कहा जाता है पासवर्ड, ठीक, एक और बॉक्स होता है जिसको कहते हैं पासवर्ड बॉक्स, तो मैं यहां पर उसको भी लिख लेता हूं पासवर्ड बॉक्स को, पासवर्ड, ठीक। इनपुट टाइप पासवर्ड भी यहां पे एक तो ले ही लेता हूं, ईमेल के नीचे ले लू ना, ठीक है, इनपुट आ गया, टाइप में अभी मैं टेक्स्ट ले रहा हूं, ठीक, नेम में दे देता हूं पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड, ठीक। अब पासवर्ड में मैं कुछ टाइप कर रहा हूं तो दिख रहा है, दिखना तो नहीं चाहिए ना, तो दिखना नहीं चाहिए उसके लिए क्या करना होगा, टाइप का वैल्यू हमें पासवर्ड लिखना होगा, ठीक। अब यहां पे कुछ टाइप करेंगे तो ऐसा आएगा, आप समझ गए इसके पीछे का साइंस क्या कहता है, समझ में आ गया आपको। ईमेल का भी पासवर्ड मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा बात है, ठीक। यहां पे जो मैंने पासवर्ड लिखा है, ईमेल और पासवर्ड जो यहां पे है, ठीक है, वो इस वेबसाइट के लिए है, आप नहीं, ईमेल का क्या पासवर्ड होगा ये तो जीमेल बताएगा ना, आपने जैसे गूगल पे अपना जीमेल अकाउंट बना रखा है तो जीमेल का क्या पासवर्ड होगा वो जीमेल में डालेंगे, लेकिन यहां जो पासवर्ड आप क्या करेंगे कि अकाउंट जैसे फेसबुक पे आपने अकाउंट बनाया ना, वही अकाउंट का पासवर्ड यहां पे, वही अकाउंट और पासवर्ड यहां पे भी बनेगा,
जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बना लेते हैं, ठीक इसी तरह से इस वेबसाइट में आप अकाउंट बनाएंगे तो आईडी पासवर्ड डालेंगे, ईमेल का अकाउंट यहाँ डाल, ईमेल का पासवर्ड यहाँ डालना कोई वो नहीं है, और ईमेल का पासवर्ड आप डाला भी मत करिएगा, ठीक। अरे यार मोबाइल नंबर ये है, इसके बगल में एक बटन मैं बना दूंगा, वेरीफाई का क्लिक करेगा तो मैं क्या करूंगा उसके मोबाइल पे एक ओटीपी भेज दूंगा, और ओटीपी के लिए नीचे एक तो बॉक्स बना दूंगा, जैसे ही क्लिक करेगा बॉक्स अपने आप बन के आ जाएगा और उसमें ओटीपी डाल के वेरीफाई करेगा तो वेरीफाई हो जाएगा। क्या चीज बना के दिखा दूं? अरे भाई जो कह रहे हो ना, दो महीने पढ़ाऊंगा तब जाके ये सब्जेक्ट आएगा, ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस से ही हो पाएगा, सिर्फ HTML से नहीं होगा, ठीक है। आप सर्वर साइड लैंग्वेज पढ़ेंगे एक दो महीने तीन महीने, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि OTP कैसे जाता है, ईमेल के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू वेरीफाई कैसे होगा, ठीक है। तो ये सब सर्वर साइड लैंग्वेज के जरिए ही हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते जी, ठीक है। चलिए, जब मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐसा देख रहा हूं तो मुझे एक चीप ट्रिक्स याद आ गया। वो चीप ट्रिक्स क्या था? वो चीप ट्रिक्स ये था कि जैसे मान लीजिए रिमेंबर पासवर्ड कोई कर देता है ना, तो पासवर्ड अपने आप भरा जाता है, भरा जाता है ना, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? आप रिमेंबर पासवर्ड जब करते हैं तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होता है अपने आप आईडी पासवर्ड भरा जाता है ना, सामने वाला लॉग इन कर लेता है, पासवर्ड सामने दिख रहा है, लेकिन इसको हम कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते। क्या मजाक है, मतलब। और इसको थोड़े सरल शब्दों में कहूं तो हजारों करोड़ का गड्डी पड़ा है पर हम उठा नहीं सकते। सही है ना? क्यों? हजारों करोड़ का गड्डी पड़े हुए हैं लेकिन हम उठा नहीं सकते। यहां पे पासवर्ड पड़ा है लेकिन हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते कि उसमें क्या है। सही बोल रहा हूं ना मैं? नहीं बोल रहा? हाँ। आपको, आप चाहो तो इसको देख सकते हो जी, बड़ा आसान काम है। कैसे देखेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, राइट क्लिक करो, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, ठीक है, और फिर क्या करो, यहां से खोजना शुरू करो, ठीक है, किधर पासवर्ड लिखा है, यही पासवर्ड है ना, डबल क्लिक मारो और यहां पे क्या कर दो, TEXT, एंटर, ठीक, दिख गया पासवर्ड जी। बड़ा आसान काम है ना? ठीक है, बोल दो कट कर दिया। मैं देख नहीं पाया, ठीक है। तो कितना अच्छा तरीका है ना, बहुत अच्छा सच में भाई, इसका दुरुपयोग मत करना। तो पासवर्ड अपने आप भरा जाएगा, पासवर्ड आपको देखना है, क्या करोगे, यही ट्रिक इस्तेमाल कर लोगे आप, ठीक। आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? चलिए, प्रश्न अब यहां पे उठता है कि जितना आसानी से मैं आपको यहां पे दिखा दिया पासवर्ड, आप रियल टाइम के वेबसाइट में उतने आसानी से नहीं देख सकते, ठीक। जो रियल टाइम का वेबसाइट होगा उसका पासवर्ड आप इतनी आसानी से नहीं देख पाओगे, ठीक। पूछो कैसे? मैंने एक रियल टाइम का वेबसाइट बना के रखा था, आपके सामने मैं रन करके दिखाता हूं, ठीक, और फिर आप देख के बताना जी, लॉगिन, ठीक। ये देखिए यहां पे किया, मजाक नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है अब। वेट, चलो ये मैंने आईडी डाला, यहां पे कुछ पासवर्ड डाल दिया, ठीक। अब मैं क्या कहा था, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देख लो ना, वहां पे कोड बहुत कम था इसलिए आप देख लिए। अब यहां पे लिमिट नहीं है कोड का जी, इतना सारा कोड आपको तो खोजने में ही एक हफ्ता लग जाएगा। एक हफ्ता लगाएंगे तो मिल जाएगा ना। अब इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट भी मैं नहीं लिखा हूं, कोई दूसरा वेबसाइट होता, जैसे फेसबुक खोलता हूं मैं, ठीक है, फेसबुक मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूं, ठीक है,
फेसबुक का देखते हैं जी कैसे दिखाई देता है, एक हफ्ता लगाने से दिखता है कि नहीं। अरे खुलना जल्दी से, मेरे पास टाइम कहाँ है इतना कि तुम घूमने में थोड़ा वेट लगाओगे 2 घंटे। खुल गया, लॉगिन पेज पे जाऊंगा मैं। ऐसा है तो अच्छा, फेसबुक अपना लुक बदल दिया क्या? ओ काफी दिन पहले आया था, पूरा सिस्टम ही बदल गया। एक इस फिल्म का डायलॉग है मालूम नहीं। यहाँ पे आईडी डालूंगा, यहाँ पे कुछ पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दूंगा तो ये दिखने लगा। मान लीजिए कि ये बटन है ही नहीं, इंस्पेक्ट करूंगा ऐसे। अब खोजिए जी यहाँ पे कहाँ है, दिखेगा ही नहीं। इसको खोलते जाएंगे ये खुलता ही जाएगा, ठीक, ये मिलता ही जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। ये देख लीजिए क्या मजाक है जी, खत्म होगा कभी नहीं होगा। ये इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब कंटेंट आ रहा है, कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा क्या कहाँ कैसे है। ये देख बहुत ज्यादा खुल रहा है, क्या करने का, बहुत आसान टेक्निक है। इनपुट एलिमेंट पे ही राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट कर दीजिए, ठीक। और फिर क्या काम करिए, तुरंत यहाँ पे इनपुट एलिमेंट अपने आप आ जाएगा और बस डबल क्लिक करो जी TXT एंटर। कितना आसान काम है ना। तो कुछ चिप ट्रिक्स हैं। अब फिर कहोगे आप मैंने पासवर्ड हैक कर लिया। हैक हो गया क्या? हैक नहीं हुआ जी, आपने चोरी कर दिया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं पासवर्ड पर। आप गलत तरीके से किसी का इस्तेमाल मत करना इस तरह से पासवर्ड वगैरह निकालने का, ठीक है। आप कोशिश भी क्यों करोगे जी, किसी का नुकसान पहुंचा के आपको क्या फायदा होगा? तो क्यों करोगे, नुकसान क्यों पहुंचाओगे किसी का? ये गलत है, आपको मालूम नहीं है ये बात? नहीं मालूम है तो मालूम हो जाना चाहिए कि ये गलत है। अच्छा ये बताओ, 1000 लाइक आपको 1 सेकंड में मिल ही जाएगा तो क्या? 1 सेकंड में 1000 लाइक मिल ही जाएगा तो क्या? कुछ नहीं। मैं फेसबुक नहीं चलाता तो क्या मैं जिंदा नहीं रह सकता जी? ट्विटर मेरे को चलाना नहीं आता तो क्या मैं जिंदा ही नहीं रख सकता, मेरा जीवन ही रुक गया? कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए अपने काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि मान लीजिए आपने पासवर्ड रिमेम्बर करके रखा है, ठीक है, तो आपको वही देखना है कि मेरा ही पासवर्ड दिखा दो भाई मैं भूल गया, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया पासवर्ड कैसे देखेंगे आप लोग? आ गया, राइट क्लिक करो पासवर्ड के जगह पे, बस टेक्स्ट कर दो, फिर देखो पूरा पासवर्ड दिखने लगेगा, ठीक। जो पासवर्ड का सो बटन रहता है ना कि सो हाइड करने का पासवर्ड, वो इसी तरह से इसी लॉजिक से बनता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, फिर से नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है, सीधा मैं कर देता हूँ सबमिट, सेव किया। @ इसमें डालना पड़ेगा, एक आ रहा है रिक्वायर, ईमेल लिया हूँ ना इनपुट टाइप, इसीलिए @ को वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे URL में देखिए पासवर्ड यहाँ पे आ गया ना, नहीं आ गया? आ गया, ये तो बड़ा गलत बात है, बहुत मतलब सेंसिटिव डेटा था हमारा पासवर्ड, दिख जाएगा तो मजा नहीं आएगा, नहीं मजा आएगा, दिखना नहीं चाहिए ना पासवर्ड, तो इसको हम हाइड करेंगे, ठीक। सर्वर, क्लाइंट से सर्वर तक डेटा भेजने के कई मेथड होते हैं, 2 मेथड मैं आपको बताता हूं। एक मेथड होता है गेट, गेट मेथड से क्या होता है URL के थ्रू डेटा सर्वर तक जाता है, ठीक, URL ही है ना ये, तो URL के थ्रू डेटा जा रहा है सर्वर तक, ठीक है, तो URL में तो दिखाई दे रहा है जी, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, URL पे डेटा नहीं दिखाई देगा और अपने आप इंटरनली चला जाएगा, ठीक। मेथड कैसे लिखा जाता है, मेथड फॉर्म पे आप लिखोगे मेथड, बाय डिफॉल्ट गेट मेथड ही होता है, हम लगा देंगे पोस्ट मेथड। अब क्या होगा, URL पे डेटा नहीं दिखाई देगा और जो है चला जाएगा सर्वर तक। मैं नेम डालता हूं, मैं पहले इन सारा डेटा को गायब कर देता हूं, यहां से गायब कर दिया।
अब यहाँ पे आता हूँ, नेम डालता हूँ, मोबाइल नंबर डालता हूँ, ठीक है, और सबमिट कर दूंगा, पासवर्ड भी डाल दूँ, डाल दिया, सबमिट कर दूंगा। पास नहीं दिखा ना आपको, सबमिट तो हो गया, घुमा पेज, लेकिन यहाँ पे नहीं डेटा दिखा ना, तो ये कहलाता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड मेथड के जरिए डेटा यूआरएल पे नहीं दिखाई देता है और ये सिक्योर माना जाता है और चला जाता है सर्वर के पास। अब मैं आपको बताया था HTTP और HTTPS। HTTP रहता है तो कुछ गेट कर लेता है डेटा, HTTPS प्रोटोकॉल में नहीं करता। मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं आपको कल लाइव दिखाऊं, ठीक, कि कैसे डेटा हम ले लेते हैं गेट के जरिए। HTTPS का जो डेटा रहता है वो नहीं ले पाते, HTTP का डेटा हम ले लेते हैं, स्निफ कर लेते हैं कैसे, इसको मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको लाइव दिखाऊं, ठीक है। चलिए जी, तो इतना में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? बैक करूंगा, ये देखिए आ गया डेटा। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अच्छा यही उसका उत्तर था क्या? हाँ तो बैक करके ले आया करना। तो कोई प्रश्न किसी के मन में तो पूछ लो, कोई प्रश्न। आप सेम यही HTML जो है कंटेंट फॉर्म बनाना, कंप्यूटर में एक बार बनाना, जैसा मैं बनाया हूं वैसा ही देख देख के बना लेना, फोटोकॉपी कर देना। दूसरा बार टेबल के थ्रू उसको बनाना, ठीक, दो कॉलम में बनाना, एक कॉलम में नेम देना, दूसरे कॉलम में इनपुट बॉक्स दे देना, ठीक है। इसी तरह से टेबल के फॉर्मेट में बनाओगे तो थोड़ा ये और अच्छा दिखेगा, ठीक। तो बना लोगे आप लोग? नहीं बनेगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा आप लोग से? बनेगा नहीं बनेगा? आपको बहुत बढ़िया फिलोसफी बता रहा हूं, एनर्जी इंसान के बॉडी में नहीं उसके सोच में होता है, ठीक है। आप जो चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। ये आदमी फोन क्या कर रहा है? हेलो, एक मिनट लाइन पे, आपको लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए थोड़ा देर, थोड़ा देर आप लाइन पे रहिए। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रहा है मेरा आपको? हाँ बताइए। हाँ मैं आपको फ्लो बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि तुरंत नहीं बता सकता, क्योंकि मैं क्लास में हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, तो जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है, ठीक है, मैं आपको कॉल कर लूंगा, ठीक ना, जैसे ही क्लास खत्म होता है, ठीक है, मैं आपको कॉल कर लूंगा, ठीक ना, ठीक, चलिए ओके। मैं किधर था, रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर पाया क्या मैं? ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। हाँ कहाँ था मैं जरा बताना, भूल गया। हाँ एनर्जी इंसान के बॉडी में नहीं उसके सोच में होता है। आपने सोचा है तो कर लेंगे आप सोच लिए कर लूंगा तो कर लेंगे, नहीं सोच पाए तो नहीं कर पाएंगे। क्या चीज? आपने जैसे मान लिया कि हम बना लेंगे ऐसा, तो बन जाएगा आपसे। अगर आपने सोच लिया कि नहीं बना पाएंगे तो नहीं बना सकते। थोड़े से इसको पुराने जमाने के हिसाब से बोलूं तो मालूम क्या बोलते हैं? मन के हारे धार, मन के जीते जीत। आप मन में सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूं, हो जाएगा वो, हो सकता है थोड़ा लेट लगे लेकिन हो जाएगा, होगा। और आपने सोच लिया यार हमसे कहां हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तो सच में ना हो पाएगा, ठीक है। मतलब क्या? एनर्जी इंसान के बॉडी में नहीं उसके सोच में होता है। आप सोचेंगे तो कर लेंगे, नहीं सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, राइट? हाँ ठीक है सर, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? किसी को लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा, किसी को लगता है ऐसा? तो आपसे जरूर हो पाएगा, ठीक। आप एक बार करके तो देखिए, ठीक है। कल पे छोड़ देंगे तो नहीं होगा जी,
और कल पे नहीं छोड़ेंगे तो हो जाएगा। आपको उदाहरण दो दो चार, जरूरत है उदाहरण देने का? आप सब ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है। तो आगे चलें, 12:55 हो गया ना, क्या कहते हैं आप लोग, आगे चलूं या फिर खत्म कर दूं? खत्म कर दें, पक्का? देख तो लूं कि मैं बताया क्या था आज। अच्छा, फॉर्म कंट्रोल्स आखिरी में ही था। चलिए, खत्म हो गया जी HTML। देखिए, बात ऐसा है ना, HTML इतने से खत्म तो हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहीं पे अभी खत्म कर रहा हूं, ठीक। कोई समस्या आए, कोई तकलीफ हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक ठीक। चलिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। ई क्यों सिलेक्ट हो रहा है? मैं ये जितना भी है ना, मैं अगर YouTube पे वीडियो अपलोड करूंगा तो ये सारा आपको मिल जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि दे दूं, राइट? ठीक है जी।